कटिहार के वार्ड नंबर 10 ललियाही क्षेत्र में अवस्थित है प्रसिद्ध काली मंदिर, जिसे शमशानी काली मंदिर भी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक काली मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। वर्ष के कई महीनों के दौरान इस मंदिर के चारों ओर कीचड़ और जलजमाव का साम्राज्य रहता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज जब हमारे संवाददाता रवि झा इस मंदिर में पहुंचे, तो मंदिर से जुड़े व्यक्तियों ने जो बताया वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये काली पूजा हमारे पूर्वजों से समय से होते चले आ रहा है और विगत 10 सालों से हम लोग सभी बच्चे लोग मिलकर यहाँ पे पूजा हम लोग शुरू किए हुए हैं। ये वार्ड नंबर 10 में आता है। ये जगदेव नगर ललियाही मसानी काली मंदिर कहलाता है। नाम के पीछे क्या वजह है मशान? कि हम लोगों को पूर्वज का कहना था यहाँ पे पहले मशान घाट हुआ करता था। जैसे जैसे बस्ती आते गया तो ये मंदिर हम लोग रह गया और मशान आगे हवाई अड्डा चला गया। तो इधर पूरा शमशान घाट था? हाँ, पहले पूर्वज का कहना यहाँ पे पहले शमशान घाट था। अब मंदिर बन गया तो बस्ती आ गया, शमशान घाट आगे चला गया। वो तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ मंदिर? मंदिर साल दर साल डेवलप होते जा रहा है। ये पूजा हम लोगों का दीपावली का रात में पूजा चलता है और ये पूजा रात भर पूजा चलता है। और उसके अगले दिन एक दिन रोक के दूसरे दिन हम लोग खिचड़ी वितरण करते हैं। पूरे समाज में पूरे वार्ड नंबर 10 में खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं। उसके बाद हम लोग अगले दिन फिर विसर्जन मूर्ति विसर्जित कर देते हैं। तो पूरे समाज मिलके ही? हाँ, ये पूरे समाज मिलके ललियाही समाज मिलके इसमें चंदा जो होता है चंदा लेके हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं। हाँ, अच्छा, स्थिति जो है काफ़ी देखते हैं गंभीर। हम लोगों का स्थिति ये सर बहुत दिनों से ऐसा स्थिति हम लोग का ख़राब है। साल का 2-3 महीने तक ज़्यादा पानी आ जाएगा तो साल का 2-3 महीने यहाँ पे पानी समस्या रहता है और इस पानी में भी हम लोग को पूजा करना पड़ता है। पूजा छोड़ नहीं सकते हम लोग। इसके लिए सभी को नेता को बोला गया है। वार्ड बीच में सड़क का कम्युनिकेशन देखते हैं? हाँ ये कम्युनिकेशन क्या था कि ये जो लोग जमीन इन लोगों को दिए हैं, मान लीजिए उन लोगों का कुछ आपस का तालमेल था। जो प्लॉट है वो? हाँ, वो लोग हाँ ये मंदिर ये प्रॉपर जमीन मंदिर का था और जो जमीन बेचने के टाइम क्या क्या ना ये मंदिर को प्लॉट को रास्ता दिखा के बेच दिया गया। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता प्रॉपर चालू कहीं बंद नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर रोड इसमें नहीं बना बीच में। हाँ, आगे रास्ता बन गया, इसमें नहीं बना रास्ता। चारों तरफ कच्ची है? हाँ, चारों तरफ नगर निगम बने। हाँ, तो हम लोग इसके लिए मान लीजिए जो भी इससे पहले मुखिया रहे उन लोगों को भी बोला गया, लेकिन उन लोगों को मतलब नहीं है। वोट के टाइम आया, वोट दे दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में हमारे वार्ड कमिश्नर में उमेश पासवान, जिसको हम लोग बबलू विभाग के नाम से भी बोलते हैं। तो और सब आबादी कितनी होगी इस बार यहाँ का? आबादी सर जहाँ तक वोटिंग होता है, वोटिंग आबादी यहाँ सर 5,000 प्लस वोटिंग होता है, उससे ज़्यादा आबादी यहाँ होगा सर। मेयर को जो है इस बात की जानकारी? हाँ, मेयर को साहब को इस बात का जानकारी दिया गया, उनके ग्रुप में ही फोटो डाला गया है। हाँ, उनका रास्ता वही है? नहीं, उनका रास्ता उधर से है, लेकिन हम लेकिन उनका रास्ता वैसे बना हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो उन सुविधा का वो लोग चलेगा कैसे? तो अपना मंदिर से लोग निकलता है। और उसके बाद भी क्या ललियाही में जो हम लोग से पीछे जिनका घर बना, हम लोग के पीछे जो बस्ती बना वो उसका रोड रास्ता पहले बना दिया गया। क्या वजह क्या है कि इस एरिया को उपेक्षित माना जा रहा है? न वार्ड कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं, न मेयर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि वोट बैंक के लिए ऐसा हो रहा हो, उनको लग रहा हो हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वोट नहीं देते हैं। अच्छा, और कोई वजह नहीं है, राजनीति है, और कोई वजह नहीं हो सकता है सर। तो राजनीति का शिकार? हाँ, राजनीति का शिकार है सर ये। कहने मेरा नाम है चंदन कुमार मिश्रा।